बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद कलीम और तुहाडे कीड़ियो यूट्यूब चैनल अपना कश्मीर। उम्मीद करना के सारे पैना भरा और बुजुर्ग है रोहैरी तरह रसूल अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो अमान कियो सो। नाज़रीन, इस टाइम मौजूद है असा रट्टा मुकाम पर, बन स्पिलर मुकाम पर इस टाइम असा मौजूद है और आज असा जा रहे हैं मीरपुर। मीरपुर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब आज मीरपुर आए थे और आज मीरपुर की एक बहुत बड़ा और तारीखी जलसा हो रहा। और जैसा कि तुझे पता कि मुख्तलिफ इलाके जो है जुलूस तो मीरपुर जा सुने और हमेशा नहीं तरह तहसील डडयाल चू हमेशा एक बड़ा जुलूस किया मीरपुर, जिस टाइम इमरान खान साहब मीरपुर आए। और आज भी इंशाल्लाह चौधरी अजहर सादक साहब हल्का इलेवन डडयाल पीटीआई ने जो उम्मीदवार है अजहर सादक साहब उन्होंने जेरे सरप्रस्ती रट्टा डडयाल ने मुकाम पर आज एक बहुत बड़ा तारीखी जुलूस जासी जरा उस जलसे जेते शिरकत कर से वम गठी हुई है। इस शहर तक हो सके कुछ गड़ियाँ वगैरह मौजूद हैं और कुछ गड़ियाँ पिछली साइड मौजूद हैं और एक काफ़ी बड़ा जुलूस जासे जरा उस जलसे जेते शिरकत कर से अगर अस सारी कवरेज कर स जुलूस है नहीं अस कुछ ड्रोन शॉट ही सा और उत्थे तुम्हें दसागे कितने का वम ही और क्या कोई सिस्टम आ जरा कोई शेयर कर सा और उत्थे जुलते तुम्हें दसागे उत्थे क्या कोई सिचुएशन कितने का वम आई है। सो वीडियो फुल वॉच करनी की है कि वीडियो इतना है इंटरेस्टिंग हो सी और जैसा कि मैं तुम्हें पहले दस ही चुके हैं कि जलसा ही बहुत बड़ा और तारीखी हो सी। सो वीडियो फुल वॉच करनी, अगर सो वीडियो तक को इंजॉय करो। जमाता फेर बड़ा पिटना जितना वही मरान खान जितना दूजिया जमाता फेर बड़ा पिटना जित जावे साड़ी तहरीक ए अज मेरा जी कर दे इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू जी कर दे कप्तान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू जी कर दे जमाता फेर बड़ा पिटना भी खाता होया माले ना लिया के सुटना दूजिया जमाता फेर बड़ा पिटना जित जावे साड़ी तहरीक ए अज मेरा जी कर दे इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू जी कर दे कप्तान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू जी कर दे नजरीन असन इतना कुछ लोग मौजूद है असन गलबात करने और पूछने हैं कि कड़ी कड़ी जगह सी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मीरपुर आजाद कश्मीर से। सिक्योरिटी इतनी सख्त है। अच्छा, ठीक है, चेकिंग है, कोई भी अंदर जाने के लिए कोई चीज़ हो तो रास्ते में फेंक देते हैं। अच्छा, तो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हो? मैं पीटीआई अनवर मकसूद। अच्छा अच्छा, कितने का वाम हो सी तुम्हारे अंदाजन? मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार होगा बंदा। 4-5 हज़ार। अच्छा, और वाम अच्छी भी है? और इंशाल्लाह आ रही है। और इस मौके पर कोई पैगाम देना चाहते हो? और ये पैगाम है कि सिक्योरिटी सख्त है, बंदे बिल्कुल घबरा गए, जड़ा समान है वो बिल्कुल
ਪਿੱਛਾ ਛੋਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆਏ ਸ਼ਲੋਈ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਮਾਰਿਆ ਆਏ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਜਲਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਮਾਰਿਆ ਆਏ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਣ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਫਰੀਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸੋ ਅਕੇਲੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨੇ ਕਾਫਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹਲਕਾ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਗਰੀ ਬਹੁਤ ਸਨੀਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو
मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या इनको कोई कोई फिक्र नहीं थी कि पाकिस्तान क्या करेगा। और मुझे तब ये मेरे सेन में आया कि ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान को चुप करके जिसका पहले था जब कश्मीर में पहले गन्स इस्तेमाल करके नौजवानों को अंधा किया जाता था, जब उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल के लिए यानी पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता था नौजवानों को, तो कोई भी बोलता नहीं था पाकिस्तान से। बल्कि एक हमारी फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ का हुक्म था कि कोई हिंदुस्तान की तनकीद नहीं की जाएगी। जब वो हिंदुस्तान गया नवाज शरीफ तो हुरियत के लीडर से इसी भी मिला तो मेरे दिल को भी नाराज ना हो जाए। जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान चुप करके हिंदुस्तान से डर के कुछ बोलता नहीं था, तो इस तरह भी 5 अगस्त को चुप करके पाकिस्तान हजम कर जाएगा। हाँ जी नाजरीन, तो पूरी वीडियो तक ही उसी उम्मीद करना कि वीडियो तुझे जरूर पसंद आई जी। तो तक क्या कि वजीर आजम इमरान खान साहब भी था ऐसे मेरे पर और बहुत बड़ा इकतर ही जलसा होया, इसने ऐसे पूरी कवरेज की है और उन शाम का टाइम हो चुका और इमरान खान साहब ने जहाज भी वापस दे चुका है जरिए उन्होंने अगली मंजिल उस तरफ वाले रवाना हो चुके हैं और इसने वैसे रोड नाले मौजूद है और उस तक नहीं उस रश बहुत बड़ा ही जलसा सा और मुझे लगना कि रात 8-9 बजे ये रश नहीं मुकना और पार्किंग अस गड्डी काफ़ी दूर की थी क्योंकि ऐसे पता था कि वापसी पर फिर गड्डी निकालना मुश्किल हो जाए। इसने बावजूद जलसा इस साइड काफ़ी दूर सा लेकिन अस इस पार्किंग की थी फिर भी काफ़ी मुश्किल पेश आई दी और मुझे लगना कि 1-2 घंटे अस इतने पक्के फंसे हुए स। उम्मीद करने के वीडियो तुम्हें जरूर पसंद आई इस तरह छे छे वीडियो कि सिर्फ खिदमत हाजिर होने सी मिकी दियो इजाजत तक जिंदगी पाक ते एक नई वीडियो मुलाकात होसी। अल्लाह हाफिज़।